नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। नैनीताल में शिक्षा संस्थान में डायरेक्टर से अभद्रता पर शिक्षकों का मौन व्रत। उत्तराखंड के नैनीताल के टनकपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत टनकपुर से प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां शिक्षा का मंदिर कही जाने वाली यूनिवर्सिटी एक दंगल का अखाड़ा बन गई। पूरा मामला टनकपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत के आने वाली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान का है, जहां बीते 5 वर्षों से निदेशक के पद पर तैनात अमित अग्रवाल के साथ बीती 20 मई को संस्थान में दैनिक वेतन पर तैनात शिक्षकों ने निदेशक अमित अग्रवाल के साथ अभद्र व्यवहार कर धक्का मुक्की एवं उनके साथ मारपीट कर दी। पूरी घटना संस्थान में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। घटना के दौरान संस्थान में भगदड़ मच गई। इधर मामले की लिखित तहरीर पुलिस को दे दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे गुस्साए संस्थान के शिक्षकों ने मुख्य गेट पर बैठकर 10 मिनट का मौन व्रत रख धरना दिया, जिसमें उन्होंने दोषी शिक्षकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं उनकी ही विधानसभा क्षेत्र के टनकपुर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक अमित अग्रवाल के साथ दैनिक वेतन पर तैनात 3 शिक्षकों ने निदेशक के साथ बदसलूकी कर धक्का मुक्की कर मारपीट कर दी। घटना संस्थान में लगे CCTV कैमरों में साफ दिखाई दे रही है। वहीं कर्मचारी जिस तरह से निदेशक को भागते हुए उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, वहां पूरी घटना दिखाई दे रहा है। इधर संस्थान के निदेशक अमित अग्रवाल ने घटना की CCTV फुटेज और लिखित तहरीर कोतवाली में बीती 22 मई को दी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा शिक्षकों पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इधर संस्थान के शिक्षकों ने स्थानीय प्रशासन पर निदेशक अमित अग्रवाल पर जबरन समझौते तथा राजनीतिक दबाव बनने का आरोप लगाते हुए मुख्य गेट 10 मिनट का मौन व्रत धारण कर धरना दिया। उन्होंने सभी दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर मामले में कार्रवाई न होते देख संस्थान के डायरेक्टर अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री, कुलपति और SSP को प्रार्थना पत्र देकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि उनके साथ जो घटना हुई है, वहां तमाम शिक्षकों और छात्रों के बीच हुई है, जो कि एक शर्मसार करने वाली घटना है। उन्होंने कहा, घटना से अभी तक वह बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अपनी सुरक्षा की मांग की है। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। महोदय, मुझे आपको अवगत कराना है कि हमारे संस्थान में पिछले कुछ दिनों से वार्षिक महोत्सव की तैयारियां चल रही थी। ये वार्षिक महोत्सव 3 दिन का आयोजित किया गया था, जो 21 मई से 23 मई के मध्य संपादित हुआ है। इस महोत्सव से एक दिन पूर्व 20 मई को सायं लगभग 4 बजे हमारे शिक्षकों के बीच में विवाद हुआ, और वो विवाद इतना बढ़ गया कि उसके बाद मुझे बुलाना पड़ा। जब मैं विवाद को सुलझाने के लिए गया, तो उसमें जो एक शिक्षक है अलब मेहर, उसके द्वारा जो है मेरे साथ भी गाली गलौज किया गया, मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई, जिसकी सारी CCTV फुटेज भी जो है वो हमारे पास मौजूद है, वो भी हमने आपको दे दिए, जिसमें पूरा दिख रहा है कि वो सभी छात्रों के मध्य और फैकल्टी स्टाफ सभी के सामने जो है वो मेरे साथ किस तरह से जो है बदसलूकी कर रहा है। इसकी जो है प्राथमिक रिपोर्ट जो है वो हमने जो है कोतवाली टनकपुर में भी दे दी है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसके लिए जो है अभी हम एक पत्र जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंपावत को भी लिख रहे हैं कि कृपया इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए संस्थान में जान माल की सुरक्षा के लिए जो है हमें जो है सुरक्षा प्रदान की जाए। और इसके अतिरिक्त जो है हमने जो है इस पर कार्रवाई करते हुए जो हमारे यहाँ संस्थान में कार्यरत डेली वेज के कर्मी थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, उन पर कार्रवाई करते हुए हमने उनको जो है संस्थान के कार्यों से हटा दिया है, जिसके संदर्भ में मेरे पर जो है दबाव बनाया जा रहा है कि जो है इनको जो है आप वापस रखिए। हमने कहा भी है कि ये आएँ अपनी गलती मांगे, अगर ये अपनी गलती मान लेती हैं तो हम जो है ज़रूर इनको रखने के लिए उचित कार्रवाई करेंगे, परंतु अभी तक जो है इनके द्वारा कोई भी जो है हमें जवाब नहीं मिल पाया, ना ये संस्थान में उपस्थित हुए हैं। मुख्यमंत्री की विधानसभा है ये मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है। और आपने मुख्यमंत्री जी को भी कोई लेटर भेजा है? अभी तक तो हमने मुख्यमंत्री जी को लेटर नहीं भेजा, बट अब जो है जिस तरह की चीज़ घटनाएँ हो रही हैं और हमारे पर एक दबाव बनाया जा रहा है, तो उसके लिए जो है हमने एक पत्र जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखा है कि हमें जो है सुरक्षा प्रदान की जाए, उसकी एक प्रतिलिपि भी जो है हम मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं, ताकि जो है इस संस्थान के लिए हमने जितना कार्य किया है, इस संस्थान को पिछले 5 वर्षों में हमने खूब
तेज़ी से उभारा है और आज संस्थान जो है उसमें जो है छात्रों की संख्या भी जो है 5 गुना बढ़ी है, पाठ्यक्रम की संख्या भी बढ़ी है और ये संस्थान जो है पूरे प्रदेश में जो है लगभग जो है आप कह सकते हैं कि दूसरे नंबर का संस्थान बन के आ गया है। तो उसके लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं, परंतु आज जो है कुछ गेस्ट फैकल्टी और कुछ डेली वेज के कर्मियों द्वारा जो है यहाँ पे छात्रों की संख्या भी जो है 5 गुना बढ़ी है, पाठ्यक्रम की संख्या भी बढ़ी है और ये संस्थान जो है पूरे प्रदेश में जो है लगभग जो है आप कह सकते हैं कि दूसरे नंबर का संस्थान बन के आ गया है। तो उसके लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं, परंतु आज जो है कुछ गेस्ट फैकल्टी और कुछ डेली वेज के कर्मियों द्वारा जो है यहाँ पे बहका माहौल बनाया गया है। हमारे सारे शिक्षक और हमारे जो छात्र हैं वो सभी जो हैं इससे भयभीत हैं। मैं भी इस घटना से बहुत क्षुब्ध हूँ और आज जो है शिक्षकों द्वारा भी जो है 10 मिनट का जो है वो जो है यहाँ पे जो है मौन धारण किया गया। वो भी जो है इस घटना से बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। वो भी चाहते हैं कि जो है जो संदिग्ध कर्मी हैं उनके खिलाफ़ जो है कार्रवाई की जाए और संस्थान में जो है एक अच्छा माहौल बनाया जाए ताकि जो है छात्र जो हैं वो यहाँ पे अपनी पाठ्यक्रम जो है वो सुचारू रूप से चला सकें। परंतु जो है अभी जो है संस्थान में जो है इस घटना से जो है काफ़ी जो है बहका माहौल बना हुआ है। हमारे 2 दिन बाद जो है यहाँ पे परीक्षा होनी है और जो है घटना की वजह से छात्र भी जो हैं बड़े क्षुब्ध हैं। अभी संस्थान में छात्रों की संख्या भी कम हो गई है, शिक्षण कार्य पर भी प्रभाव पड़ा हुआ है, हमारा जो प्रशासनिक कार्य है वो भी जो है उस पर भी काफ़ी जो है प्रभाव पड़ा है। तो ऐसी स्थितियों में जो है ये संस्थान जो है इसको संस्थान को हम किस तरह से फिर से संभालेंगे इसके लिए हम अपनी कोशिशें जारी रखी हुई है। हमने कोशिश कर रहे हैं कि जो है हमारे शिक्षक हमारे जितने भी कर्मचारी हैं छात्र हैं वो फिर से मिलजुल कर काम करें और जो व्यक्ति जो है इस घटना को अंजाम दे रहे हैं उस पर जो है उचित कार्रवाई हो ताकि जो है इस घटना ऐसी घटनाएं भविष्य में फिर से ना हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करते हैं आप? मेरी बस यही मांग है कि जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है और उसके लिए हमने बहुत कार्य किए हैं। ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जो इस संस्थान को नुकसान पहुंचा रहे हैं है ना, ऐसे कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो है इस संस्थान को बचाया जाए क्योंकि इस संस्थान से बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है ना। यदि इस तरह की घटनाएँ फिर से होगी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो इस संस्थान को जो है उभारना और बच्चे के भविष्य को जो है सुनिश्चित करना बहुत कठिन हो जाएगा। देखिए, जो भी यहाँ पे हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि ऐसा शिक्षण संस्थान में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये शिक्षण संस्थान है, यहाँ हर चीज़ की मर्यादा होती है। ठीक है, तो मर्यादा से बाहर जब भी बात की जाएगी तो हम उसके अगेंस्ट ही जाएंगे क्योंकि माननीय निदेशक महोदय से गलत गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है जैसा कि संज्ञान में भी आया था। तो ये सब उसी का परिणाम भी है और लगता है ये तो नहीं होना चाहिए था जिससे हमारी सारी व्यवस्थाएँ चरमरा गई हैं। यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में हमने हमारे देखने को पता लगा ऊपर जो है एकदम से धक्का मुक्की भी और जी भी की गई। जी हाँ, वो हुआ है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर मौन में भी हैं कि यहाँ पर जो है राजनीति भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखिए ये तो फेयर काम होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा है कुछ नहीं है कि मतलब राजनीति का प्रेशर बनाया जा रहा है, वो गलत है जिससे कि सभी लोग यहाँ जो गुरुजन हैं वो परेशान भी हैं कि भाई जो काम है वो नहीं हो पा रहे हैं और ऊपर से ये अलग तरीके के प्रेशर्स आ रहे हैं तो वो चीज़ उसमें हमारा थोड़ा सा ध्यान बिगड़ रहा है। निदेशक जी का जो जो डिसीजन होगा वही सर्वमान्य होता है तो जो उनको लगा वो उन्होंने लिया है। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, अब उनको हो सकता है कि जो भी है ये तो मेरे को इसका पता नहीं कि पॉलिटिकल कैसे कैसे बन रहा है क्या हो रहा है, बट जो व्यवस्थाएँ हो रही है वो चरमरा तो रही है। के समर्थन में एक शिक्षण संस्थान होने के नाते, एक शिक्षक की भूमिका में होने के नाते, चाहे वो निदेशक के अंतर्गत हो या फिर हमारे अंतर्गत पे हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। घर का मसला घर में सुलझ जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये चीज़ें बाहर गई हैं जो किसी भी लिहाज से अच्छी तो नहीं है। हम एक शिक्षक हैं, सबसे बड़ी भूमिका हमारी यहाँ पर आती है कि हम अपने समाज को क्या दे रहे हैं, क्या वो चाहता है हमसे। सर, कार्रवाई क्या जो भी चीज़ें हो रही हैं वो जल्दी सुलझ जाए। जो रोज़ रोज़ हम पे चीज़ें आ रही हैं, कभी यहाँ या कभी वहाँ, सर हमारा पेपर होने हैं, हमें अभी अपनी मध्य परीक्षाएं करवानी है, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन करवाने हैं, कल से वगैरह बनाने से हैं। आप देखिए 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें करना एक शिक्षक होने के नाते हम पे बहुत बर्डन आ रहा है, फिर कहाँ कहाँ हम किन किन चीज़ों को डील कर पाएंगे। सर, जो संस्थान में जैसी हरकतें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। मैं बस इतना कहूँगी जो भी हुआ वो गलत हुआ,
ये एक शैक्षिक संस्थान है, यहाँ पे मतलब पॉलिटिकल प्रेशर, ये हर रोज़ जो कोई आ रहा है या जो भी चीज़ें हो रही है बहुत गलत हो रही है। अब हम क्या अपना काम छोड़ के हम यही चीज़ें करें, इधर उधर जाए, ये सब चीज़ें बहुत ही गलत हो रही है। मतलब सबको पता है क्या हुआ, जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था, मैं बस इतना बोलूँगी कि वो गलत हो रहा है। सर जो मैंने देखा, मैंने वही देखा कि कॉरिडोर में जो सर थे एकदम आवेश में आके वो हल्ला वगैरह कर रहे थे। तो मतलब किसी भी संस्थान में शिक्षक की जो गरिमा होती है वो मतलब धूमिली हो गई एक टाइप से, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। मैं बस यही बोलूँगी, बाकी और मामला मुझे नहीं पता।